जम्मू कश्मीर के गंदरबल में आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले इंजीनियर अनिल शुक्ला, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, की मौत हो गई है। आतंकियों ने अंधाधुंध गोली फायरिंग की थी, जिसमें इंजीनियर अनिल शुक्ला को भी गोली लगी थी और उनकी मौत। वे जेपी फैक्ट्री में सिविल इंजीनियर थे। इन दिनों वह है जम्मू कश्मीर में सुरंग बनवाने का काम करा रहे थे। रविवार देर रात आतंकियों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें अनिल शुक्ला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अनिल को पहले बिहार का बताया जा रहा था, बाद में पता चला कि वे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 11वीं और बेटी बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाई करती है। उनका परिवार कुछ समय से रीवा में रह रहा था। चुरहट एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सेना की तरफ से कॉल आया था कि अनिल शुक्ला आपके क्षेत्र के हैं या नहीं, इसकी पुष्टि हमने कर दी है। अनिल हमारे क्षेत्र के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत डिठौरा के रहने वाले थे। घटना की जानकारी उनके परिवार को भी दे दी गई है। सब लेने के लिए उनके बड़े भाई मुंबई से रवाना हो गए हैं कश्मीर के लिए। सारी औपचारिकताओं के बाद अनिल के शव को उनके गृहग्राम पहुंचा दिया जाएगा। अब परिवार अपने बेटे के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है। पूछता था खाना पीना हुआ कि नहीं, यहाँ के को आदमी का कहा था को कश्मीर न जाए, वहाँ को अपन पेट न पाले है। अरे हमारी यहाँ के आराम से नौकरी लगेगी, यहाँ हमको चारा दाना मिलेगा, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ के सड़े आम कतले आम कर रहे हैं, जो दिन दहाड़े मार रहे हैं, और यहाँ की सरकार चुपचाप बैठी है। अमित शाह कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या नाम से मोदी जी कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पता नहीं कितने फौजी मारे गए, पता नहीं कितने प्राइवेट आदमी मारे गए, और होता कुछ नहीं है। वो तो सरकार कहती कि हम बदला लेंगे, बदला लेंगे, कब बदला लोगे, जब यहाँ की क्या नाम से पूरी जनता समाप्त हो जाएगी तब बदला लोगे, काहे का बदला लोगे, किस चीज़ का बदला। पैसा निकालने के लिए क्या नाम से 1-2 लाख रुपए में एक दो हो गया, वो परिवार उसी में पड़ा रहे। 2 लाख में क्या होता है, और 2 लाख में होता भी है तो क्या नाम से 2 लाख क्या करेंगे। हमारा परिवार हमारा क्या, हम जिसके आधार पर हम जी रहे हैं वो चला गया, पैसा क्या करेंगे तुम्हारा, वो सुख हमें पैसा थोड़ी दे रहा है। लास्ट डे बात ही नहीं हुई थी मेरी, नहीं हुई थी बात, समझाते थे बेटा पढ़ना चाहिए, ये एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, जुलाई में आए थे, बोल रहे थे दिसंबर में देखता हूँ आऊँगा। आज यहाँ आने पर समझ में आया, यहाँ बताया कि नहीं है पापा, तो फिर उसके बाद दूसरी जगह चुपटे हुए, उस कंपनी का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बात करते थे और पढ़ाई का ही करते थे और कुछ नहीं, मतलब उनका सपना था कि ये कुछ बड़ा बने, और उनका ये भी सपना था कि अपने मम्मी पापा को ये मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठाएं। उधर पहले जूनियर इंजीनियर था जो डोंडा जिला में वहाँ रहता रहा, इसके बाद उसका प्रमोशन इंजीनियर में हो गया, लेकिन वहाँ से वो रिजाइन दे दिया। रिजाइन दे के उनका दोस्त एक मैनेजर था वहाँ डोंडा जिला में, वो छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर लिए कश्मीर में। मैनेजर का उनका दोस्त ही काफ़ी रहा, तो बोले कि शुक्ला वहाँ का रिजाइन दे दो, हमारे पास आ जाओ। वहाँ रिजाइन दे के कश्मीर में आ गया। उसको फुल चार्ज दे दिया मैनेजर समारोह, अभी जिला 8 बजे बात हुआ, बोले हम बोले कि आप कब आओगे, तो बोले कि जनवरी में पापा आऊँगा, यही बात हुआ है। जब रोज उसका प्रतिदिन का नियम रहा 8 बजे हमारे यहाँ फोन करे पापा जी समाचार रोज प्रतिदिन, फिर उसका परिवार रीवा हुआ, फिर बाद परिवार का फोन करे 8 बजे 8:30-9 बजे का फोन जब नहीं आया तो हम बोले कि परिवार शायद किया हो, परिवार को फ़ोन किए तो
बोले कि पापा का फोन आज नहीं आया, तो हमारा बड़ा लड़का भुसावल में रहता, हम उसको फोन किए कि कहा तुम्हारे पास फोन आया उसका, बोले कल रात में बात हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है करता हूँ। एक बाद में वो कहे तो बोले कि बात ही नहीं हो रहा है, तीन चार दफ़े हम फोन किए कोई उठाऊ नहीं किया, और गए इसके बाद तो हल्ला हो गया, पीटीआई साहब आए पूरा अपना रिपोर्ट हुआ किए तो क्लियर हो गया केस आए। वहाँ वो किए 95-96 में करीब ज्वाइन किए, वो दो ही भाई, बड़ा भाई वहाँ है वो गया हुआ, उनके एक लड़का एक लड़की यही दोनों, तो घर बनाने का प्लान था किसका, यही पर ऊपर में खपड़ा था तो बोली निकाल देंगे छत डाल देंगे, बुखार था हाँ सच के बोलता रहा सबसे बड़ा प्रेम से।